वक्त है आज की हैरान करने वाली खबर का। इंदौर में एडवेंचर गेम्स के उद्घाटन के मौके पर ऐसा वाकया पेश आया जिसे देखकर एक बार तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। या डीएम साहब पहुंचे तो थे गेम्स का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन इस चक्कर में उनकी खुद की ही जान आफत में पड़ गई। यहाँ देखिए, इस बोट पर सवार हैं इंदौर के डीएम और जिले के कुछ दूसरे अधिकारी। ये सभी बोट पर निकले हैं चोरल डैम में बोटिंग का लुत्फ उठाने। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगले ही पल वो हुआ जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये देखिए, जिस बोट पर इंदौर के डीएम साहब बैठे हैं वो बोट अचानक से पलट गई। दरअसल इंदौर में हर साल टूरिज्म डिपार्टमेंट एडवेंचर गेम्स का आयोजन करवाता है। इस साल इन गेम्स का उद्घाटन करने जिले के डीएम आकाश त्रिपाठी इंदौर से 50 किलोमीटर दूर चोरल डैम पर पहुंचे थे। उद्घाटन करने के बाद जब डीएम साहब बोट की सवारी करने अपने मातहतों के साथ उतरे तो कुछ दूरी पर जाकर ही उनकी बोट ने धोखा दे दिया। देखिए किस तरह से सिर्फ 3 सेकंड में डीएम और उनके अधिकारी पानी पानी हो गए। 1, 2, 3 और ये गई बोट पानी में। इसके बाद उन्हें बचाने के लिए एक रेस्क्यू बोट गई तो दूसरी बोट से 2 रेस्क्यू कर्मी भी पहुंच गए। ये देखिए पहला गया, ये देखिए दूसरा। ये तो गनीमत थी कि सभी ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। बाद में रेस्क्यू टीम ने सभी को पानी से बाहर निकालकर सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। पुष्पेंद्र वैद्य, इंडिया टीवी, इंदौर।